अजमेर के कलेक्टर चौराहे पर स्थित पुरानी आरपीएसी एडी न्यायालय भवन में एक बार फिर छत के प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। गनीमत रही कि छुट्टी होने के चलते कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुरानी आरपीएसी के एट्रेक्स के दौरान ही यह हादसा घटित हुआ है। हादसे के स्थान पर पक्षकार व वकील बड़ी संख्या में खड़े रहते हैं, लेकिन इस दौरान कोई मौजूद नहीं था। वकीलों का कहना है कि इस भवन के जर्जर होने की सूचना कई बार प्रशासन को दी गई और इस तरह का हादसा पहले भी घटित हो चुका है, इसके बावजूद प्रशासन ने सुध नहीं ली और शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बाद एक बार फिर प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्रशासन जनहानि का इंतजार कर रहा है जब भी यह कार्य किया जाएगा। हमने पहले यहाँ पे ज्ञापन दिया था कि पुरानी आरपीएससी बिल्डिंग के अंदर जिस परिसर में मैं बैठता हूँ उस जगह की छत काफ़ी ख़राब हो रखी थी, जिसको हमने रिपेयर कराने के लिए कई बार हमने ज्ञापन दिया है। हमारे बार एसोसिएशन के जरिए हमने सूचनाएँ भिजवाई है, लेकिन इसकी कोई रिपेयर वगैरह नहीं की गई। और परसों हमारे जब मैं बैठा हुआ था उस समय अचानक ये छत का एक थोड़ा सा टुकड़ा गिरा था नीचे, और नीचे गिरने के बाद में फिर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल सुबह की बात है, मैं ट्यूबवेल खोल रहा था, अचानक छत का काफ़ी लंबा चौड़ा हिस्सा नीचे गिरा, और उसके बाद में फिर हमने यहाँ से सूचनाएं वगैरह हमारे बार एसोसिएशन को भी दी थी, और बार एसोसिएशन के सदस्य भी आए थे, वो देख करके गए हैं और उन्होंने ये बताया, बोला कि भाई हम है ना कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने जो लेटर वगैरह दिया है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और परिस्थिति ये थी कि शाम को फिर एक छोटा सा हिस्सा आगे की साइड में गिरा, और इस तरह से ये सारा का सारा ख़राब हो गया है। पास में बिजली के मीटर लगे हुए हैं, मीटरों में भी कभी करंट आने की संभावना है, क्योंकि बीच में जो तार लगे हुए हैं उन तारों में कटिंग है और जॉइंट लगे हुए हैं, और वहाँ से कई बार चिंगारियाँ निकलती है, जिसके लिए भी शिकायत करी थी कि यहाँ से मीटरों को हटवाया जाए, लेकिन आज तक मीटर नहीं हटाए गए हैं। और परिस्थितियाँ ये है कि चूँकि पूरी बिल्डिंग के अंदर सीलन आ रखी है, करंट कभी भी आ सकता है, किसी को भी कोई जनहानि हो सकती है, और ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि कोई अप्रिय बड़ा हादसा कारित होगा तभी शायद प्रशासन जागेगा।